रमाबाई की, तो मैंने बताया कि कैसे उस सम्मान सभा में माता रमाबाई अपना मुंह छुपाते हुए एक पुराने कपड़े से और अपने पति का सम्मान होते हुए देखने गई थी। लेकिन उस मान सम्मान के लिए उस माता रमाबाई ने अपने अंतिम सांसों में एक दिन कहा था, जब उनका सबसे प्रिय बेटा राज रतन इस दुनिया से चला गया दवाई के अभाव में, पैसे के अभाव में, तो माता रमाबाई भी बीमार थी और बाबा साहब से कहने लगी कि साहब आप तो कहते थे कि एक दिन राज रतन इस देश का राजा बनेगा, इस देश पर राज करेगा, राज रतन तो रहा नहीं। तो बाबा साहब ने कहा कि रामू, इस देश के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो सभी राजरत्न हैं। हमारा बेटा ये राजरत्न नहीं बन सका, लेकिन एक ना एक दिन एक राजरत्न आएगा और इस देश पर राज करेगा। लेकिन साथियों, अभी तक वो राजरत्न नहीं आया है। आप एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब के उस सपने को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं और आपसे सभी से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि इन छोटी छोटी दुश्मन की बनाई हुई जातियों को नष्ट करके बाबा साहब के उस सपने को पूरा कर दें और एक दिन राजरत्न बनकर इस देश पर राज करें। तो माता रमाबाई ने कहा था कि साहब, हमारा राजरत्न राजा नहीं बन पाया या इस देश पर राज नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आप इस देश में ऐसा कानून बना देना कि आने वाले समय में हर आदमी, हर व्यक्ति राजरत्न हो। तो बाबा साहब की उन बातों को बहुजन समाज के लोग